अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अंजुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ब्लॉग विद अंजुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी एंड सुपर क्रिस्पी पोटैटो रोल रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और एक कम समय में ही बन जाता है। अगर आप बिगनर हो तो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउल ली हूँ और इस बाउल में एक कप मैदा डालूंगी और साथ में डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालूंगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। देखिए इस तरह करने से मैं यहाँ पे एक छोटा सा डो बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑयल सही डाला है हमने। अगर से ऐसा डो नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा ऑयल और डालिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गून लेंगे। यहाँ पे टाइट डो भी नहीं बनाना है और नरम वाला डो भी नहीं बनाना है, एकदम नॉर्मल वाला डो बनाना है हमें। और लास्ट में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ अजवाइन, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। चलिए इसको अच्छे से गूंद लेकर सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से डो चाहिए हमें। अब इसे ढककर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने देंगे। चलिए दूसरे प्रिपरेशन कर लेंगे। अब मैं स्टफिंग की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर बाउल में 4 उबला हुआ आलू ली हूँ। इसको अच्छे से मैश कर ली मैंने। चलिए इन आलू में अब मज़ेदार स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, आप आपके अकॉर्डिंग डालिएगा, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में जाएगा 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में जाएगा 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और नेक्स्ट 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और साथ में जाएगा 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, और साथ में 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं क्रश करके काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, या इसका बदल आप टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। चलिए इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे ज़मीन को अच्छे से साफ कर ली मैंने और भीगे हुए आटे को इसमें अच्छे से गूंदूंगी डालकर। हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है, एकदम मुलायम सा बन गया है। अब आटे को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं। 1 पार्ट को अच्छे से गूंद लूंगी और दूसरे पार्ट को साइड में रख दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा छिड़क कर रोटी की तरह इस लोई को बेल लूंगी। देखिए इस तरीके से बेलना है हमें। देखिए इस तरीके से बड़ी रोटी बेलना है हमें। अब यहाँ 1 कप में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब आटा ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा पेस्ट बनके भी तैयार हो चुका है। चलिए इसको साइड में रख देंगे। अब हमारे रोटी के साइड्स को इक्वल करना है हमें, इसलिए इसके कॉर्नर्स इस तरीके से काट रही हूँ मैं, एकदम इक्वल शेप रहना है। और इसके कॉर्नर को हटा लेंगे, इसके कॉर्नर्स को फेंकेंगे नहीं, बाद में ये रीयूज़ करेंगे। चलिए स्टफिंग लेके स्टफ करने के प्रोसेस में चलेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टफिंग ले रही हूँ और इसको ओवल शेप में बना लेंगे इस तरीके से, और इसको रोटी के ऊपर रखकर इक्वल पोर्शन में अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से रख रख कर इसको अच्छी तरीके से कट करना है हमें इक्वल पोर्शन में। अब इसी तरीके से रोल करना है हमें स्टफिंग के साथ, बिना प्रेस करे इसी तरीके से रोल कीजिएगा। देखिए इस तरीके से रोल करना है हमें। अब लास्ट में बचे हुए पोर्शन को हम मैदे के स्लरी से इसको अच्छे से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से लगा लेना है हमें पेस्ट।
इस तरह लगाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा एक पोटैटो रोल अच्छे से तैयार हो चुका है, देखिए। तो इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे। चलिए अब बाकी रोल्स बना लेंगे। अब इसी तरीके से अब सारे रोल्स को अच्छे से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से रोल कीजिएगा और लास्ट में मैदे के स्लरी को लगाकर इसको अच्छे से चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाकर चिपका रही हूँ मैं। इस तरह से लगाने से हमारे रोल्स नहीं खुलेंगे। ये लीजिए हमारे सेकेंड रोल भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अब सारे रोल्स को बना लेंगे। देखिए फाइनली हमारे सारे रोल्स अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। पहले से ही मैं तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन डालकर चेक कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब फ्लेम को मीडियम करके सारे पोटैटो रोल्स को इसमें डाल देंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए। ध्यान दीजिएगा तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे रोल्स जल जाएंगे। अब इन रोल्स को अलट पलट कर सारे साइड्स में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हमारे रोल्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। चलिए इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से सारे रोल्स को अच्छे से निकाल ली मैंने। चलिए सेकेंड प्रोसेस की फ्राइंग में चलेंगे। अब यहाँ पे बचे हुए सारे रोल्स को अच्छे से डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए इसको भी निकाल लेंगे। अब सारे रोल्स को इस तरीके से डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। चलिए डबल फ्राइंग प्रोसेस हो चुका है, चलिए इसको भी निकाल लेंगे। अब सारे पोटैटो रोल्स को इस तरीके से छन्नी में निकाल ली हूँ ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैं इस तरीके से सर्विंग कर रही हूँ, आप चाहे तो आपके हिसाब से सर्व कर सकते हैं। देखिए वाओ, मज़ेदार पोटैटो रोल्स को मैं अच्छे से सर्व कर चुकी हूँ। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सर्विंग लग रही है ना। ये देखने में कितना मस्त लग रहा है ना, खाने में ही उतने मज़ेदार बना हुआ है। ये बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका है बनाने का, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है और रमज़ान के इफ्तारी में एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही यम्मी बनता है ये। चलिए आपको इसको तोड़कर टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिएगा। वाव, इसका टेक्सचर कितना मस्त लग रहा है ना, इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छे से भरी हुई है। ये टोमेटो केचप और कोई भी चटनी के साथ बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपको ये स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।